आपका जीके खबर नाउ 24x7 में और मैं हूँ आपके साथ नेहा ठाकुर। चलिए रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। फेमिना मिस इंडिया 2017 की पहली रनर अप रही सना दुआ आज महिला कॉलेज परेड जम्मू में छात्रों से रूबरू हुई। वहीं इस अवसर पर छात्राओं को संबोधित करते हुए सना ने कहा, आज अपने अनुभव छात्राओं से साझा करने आई हूं और अगर कोई भी छात्रा मिस इंडिया बनना चाहती है या इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती है तो वो उनकी पूरी सहायता करेंगी। इस अवसर पर महिला कॉलेज परेड की प्रिंसिपल ने सना दुआ का अपना कीमती समय निकालकर उनके कॉलेज में आकर छात्राओं से बात करने के लिए धन्यवाद किया। जम्मू से रवि शर्मा की रिपोर्ट। इंटरेक्शन के बच्चों के साथ तो क्या कहेंगे? बहुत अच्छा रहा आज परेड कॉलेज में काम इंटरेक्शन के स्टूडेंट्स और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं और उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी वो करना चाहते हैं दे शुड गो इन दैट डायरेक्शन एंड देयर शुड बी समबडी टू कीप मोटिवेटिंग देम। सो ऑब्वियसली अगर मेरी स्टोरी उनको थोड़ा भी इंस्पायर कर सकती है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। आई इट्स एन अचीवमेंट फॉर मी ऑल्सो। सो I'm really happy to be here. मैं कश्मीरी हूँ। आपने देखा होगा अक्सर हालात काफी खराब हैं, गैंगस्टर किसी और ही दिशा में जा रहा है। अब आपने देखा होगा कश्मीर में लड़कियाँ भी आगे आ गई हैं उनके साथ, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ से आगे? देखिए मैसेज मैं बस ये देना चाहूंगी कि आई थिंक एजुकेशन आपको बहुत चेंज करता है। तो अगर आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट यू नो ह्यूमैनिटी एंड helping each other out. We are all one nation and it's the idea is to just be there for each other and understand the brotherhood rather than getting involved in, you know, all of this. It's just very disheartening. So I wouldn't want to really get into the details of it, but I would just request anyone and everyone to come forward and celebrate the brotherhood of India as one nation rather than, you know, just getting involved. हमारा एक वेमेन कॉलेज है और यहाँ पे जितनी भी एम्पावर्ड वेमेन होती हैं हम उनको बुला करके बच्चों के साथ इंटरेक्ट करवाते हैं ताकि ये बच्चियाँ भी आगे जाकर के कुछ अपने आप में अचीवमेंट कर सकें। इसी उपलक्ष्य में हमने आज सना दुआ जी को बुलाया था। बेसिकली सना जी जम्मू से हैं और ये फेमिना मिस इंडिया में पिछले साल की फर्स्ट रनर अप रही हुई हैं और ये वाटर कैंपेन कर रही हैं और बहुत अच्छा वाटर कैंपेन चला रही है। उसके लिए हमने उनको रिक्वेस्ट करी है कि बच्चों के साथ आकर के ये वाटर कैंपेन करें और हमारे कैंपस को ग्रीन करने के लिए ये कोशिश करवाएं और हमारे कैंपस ग्रीन होने में ये हमें सहयोग करें और उसके लिए उन्होंने अग्री करा है। तो इसीलिए इस उपलक्ष्य में आज ये प्रोग्राम नौशहरा के लोगों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के खिलाफ की नारेबाजी। लोगों ने कहा कि बैंक में जो बैंक कर्मी है वो ढंग से बात भी नहीं करते। लोगों का कहना है कि बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, बैंक में दो दो घंटे तक गेट बंद रख देते हैं और अपनी मनमानी अधिकारी चलाते हैं। लोगों का कहना है कि हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि बैंक के स्टाफ को चेंज किया जाए ताकि हमारे लोगों का काम हो सके। नौशहरा से रवि शर्मा की रिपोर्ट। हमारी ये डिमांड है कि हमें अपने पैसे चाहिए बस, वो भी शांति से, और यहाँ पर हमारे को आगे खड़े रहना पड़ता है। 8:30 बजे आए हुए हैं, 11 बजे अभी तक इनको बैंक नहीं खोली इन्होंने और इनका एक कर्मचारी आया खड़े रहते हैं, मेरे पास भी गाड़ी पड़ी हुई है अभी अंदर घुसाओ, और इन्होंने बहुत खजल कर रखा है, कोई बात करने का इनको तरीका नहीं है। अभी बायोमेट्रिकल सिस्टम चला हुआ तब भी ये लोग लेट आ रहे हैं, फिर क्या बायोमेट्रिकल लगाने का क्या फायदा? देखो 11 बज गए अभी तक कोई बैंक नहीं ओपन, अंदर से बोल रहे कोई बात नहीं, मीडिया आया तो लगे रहो, ये इनकी कंडीशन है अंदर। इतना गंदा और इतना हरामी स्टाफ है, कुछ कहने की बात नहीं है। यहाँ पे आगे हम ही दाड़े मारते हैं, हमारे शहर में रहते हैं और हम ही दाड़े मारते हैं आगे यहाँ पे। वो कल में एक घंटा लाइन पे लगा रहा, कहता वहाँ खड़े हो, वो मशीन खराब है, ये मशीन खराब है,
वो मशीन बाद में आएगी, हमारे पास बंदे नहीं है, क्या हो गया पीछे लाइन में, और खुद बातें करते रहते अंदर गप्पे मारते रहते। 11:30 बजे इनका काम शुरू होता है, तो वो भी वर्जी से जीत किया तो स्टार्ट किया, नहीं किया तो कोई बात नहीं, बैठे रहे गप्पे मारते रहेंगे, एक एक बंदे को आधा आधा घंटा लगाते हैं, काफी हाथ में रख ली, उधर गप्पे मारते रहे, फोन आ गया, मैसेज करते रहे, व्हाट्सएप चलाते रहे, फेसबुक चलाते रहे, दिल किया तो किया, नहीं दिल कोई बात नहीं, बंदे खड़े, ये तो इनकी कंडीशन है। रामबाड़ के खूनी नाला में आज भूस्खलन होने से टाटा सुमो को काफी नुकसान पहुंचा, जिसमें एक महिला को काफी चोट आई है। इस भूस्खलन की वजह से कई घंटों तक रास्ता जाम रहा। रामबाड़ से सजाद चौपान की रिपोर्ट। हीरानगर में पर्यावरण को स्वस्थ रखने हेतु सत्यम फाउंडेशन ट्रस्ट ने पूर्व MLA सुभाष गुप्ता की अध्यक्षता में वृक्षारोपण किया। इस उपलक्ष पर अलग अलग तरह के पौधों को अलग अलग जगह पर लगाया गया। इस उपलक्ष पर फाउंडेशन के वॉलंटियर्स और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस समाज सेवा में हिस्सा लिया। सुभाष गुप्ता ने सभी वॉलंटियर्स का हौसला बढ़ाया और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम करने का संकल्प लिया। हीरानगर से सुनीत कुमार की रिपोर्ट। बिलावर और लोहाई मल्हार सभी ब्लॉकों के धरने में बैठे हुए कर्मचारियों से त्रिपाठी मिले और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं। आज 20 जुलाई को CP वर्करों के साथ बैठक करते हुए त्रिपाठी ने कहा कि आप जल्दी ही पक्के होंगे, मेहनत करते रहो। बिलावर से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। जम्मू के तलब तिलो इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब एक बुजुर्ग के हाथों से एक व्यक्ति ने बैंक के अंदर से ही लाख रुपए लेकर भाग गया। सबसे बड़ी बात ये है कि बैंक में कोई भी CCTV कैमरा काम नहीं कर रहा था, लेकिन चोर की तस्वीर पास के घर में लगे कैमरे में कैद हो गई। लेकिन पुलिस अभी भी कोई सुराग निकालने में असमर्थ है। हालांकि JK खबरनाओं से बात करते हुए थाना तलाब तिलो के SI ने आश्वासन जरूर दिया है कि केस रजिस्टर्ड है और जल्दी से जल्दी आरोपियों को पकड़ा जाएगा। जम्मू से राजेश टंडन की रिपोर्ट। फिलहाल हमारे आज के इस बुलेटिन में इतना ही। जम्मू कश्मीर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए JK खबरनाओ। आप हमारा फेसबुक पेज JK खबरनाओ भी लाइक कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई न्यूज है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी फोटो और नाम के साथ हमें भेज सकते हैं।